रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट फाइंड रेशियो स्टार मार्क क्वेश्चन फाइंड रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए ब्रैकेट 1, -5 एंड बी ब्रैकेट -4, -5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन. ओके ओके सी हियर देयर इज अ कैच. पॉइंट क्लियरली लिखा है कि इट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. सॉल्यूशन लेट पी बी द पॉइंट विच डिवाइड्स लेट पी बी द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी which divides line segment AB in a ratio. Now I have a doubt. What is the ratio? This itself is the catch. बच्चा इधर ही एक बड़ा कैच है. क्या तुझे रेशियो पता है? सर यही तो पता नहीं. यही तो पता करना है. And whenever the question comes of ratio, I repeat, whenever the question comes of ratio, you have to take k:1. This is by default. There can be no discussion in this. This is by default. हम हमेशा कभी भी ratio आएगा तो हम हमेशा k:1 ही लेंगे. क्या मैं क्लियर हूं? हम हमेशा रेशियो k:1 ही लेंगे. ये तो दिमाग में फिक्स कर दे. ओके, क्योंकि हमको एक ही अननोन रखना पड़ेगा, दो अननोन नहीं रख सकते. ओके, सो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फाइंड द रेशियो k:1 यही लेना है. इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो अकॉर्डिंग टू यू कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर वो पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? इट शुड बी एक्स कॉमा जीरो. करेक्ट है? इट शुड बी एक्स कॉमा जीरो. Therefore, bisection formula P x comma 0 is given by how? It is given by m2 x1 plus m1 x2 divided by m1 plus m2 m2 y1 plus m1 y2 divided by m1 plus m2. Okay? ये है m1:m2, ये है m1:m2. ठीक है, चलो लेट अस प्रोसीड अहेड. पी एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू m2 1 मल्टीप्लाइड बाय x1. x1 क्या है? 1 है. इसको मैं x1 बोलता हूं, इसको y1 बोलता हूं, इसको x2 बोलता हूं, इसको y2 बोलता हूं. तो x1 1 है प्लस m1 k है x2 -4 है डिवाइडेड बाय 1 plus k, m2 1 है, y1 -5 है, प्लस m1 k है, y2 5 है डिवाइडेड बाय k+1 है. ओके, सो p
x comma 0 is given by 1 minus 4k plus into minus minus 4k. 1 plus k as it is. 1 plus k as it is, comma. 1 into minus 5, minus 5, plus 5k, divided by k plus 1. क्या इधर तक सबको गया? अब देख आगे क्या करना है, मैं बोलता हूं. ओके? तुझे पता है अकॉर्डिंग टू स्टडीज क्लास, ये x है और ये y है, करेक्ट है? अब तू मेरे को बोल x लेके सॉल्व करेगा, कि y लेके सॉल्व करेगा. तू मेरे को ये बोल x लेके सॉल्व करेगा कि y लेके सॉल्व करेगा. सर y लेके सॉल्व करेगा. क्यों x लेके सॉल्व क्यों नहीं करेगा? मेरे को ये तो बोल x लेके सॉल्व क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि दो अननोन है, वी विल गेट टू वेरिएबल्स. वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड आंसर. सर मैं x लेके सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, x भी अननोन है, k भी अननोन है. यहां पे जीरो लेके y सॉल्व कर पाऊंगा, जीरो y है एंड हियर लेके सॉल्व कर पाऊंगा. तो 0 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5k डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ये इधर गया. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. तो क्या मिलेगा आंसर, 0 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5k. ये इधर गया. सो 5 इज इक्वल टू 5k. कट कट, अरे रे रे रे, k 1 आया. ओहो हो, मतलब m1 इज टू m2 1 इज टू 1 ही आया. बट क्या हर बार ये 1:1 ही आएगा? क्या रेशियो? एवरी टाइम विल यू गेट 1:1? नो, दिस इज कोइंसिडेंट. और यू कैन से दिस इज लक दैट एक्स हमारा के वन आया. एवरी टाइम यू विल नॉट गेट 1:1. This is coincident that you are getting 1:1. Is this clear? Did I find the ratio? तो rule क्या? और एक बार repeat करते हैं. Once again, circle looking. Rule is very simple. Rule says that whenever ratio question comes, always take k:1 को m1:m2. Whenever ratio is asked, always take k:1. Am I clear with the concept, student? Whenever ratio comes, always take rule as k:1. Somebody asked me last year, sir, k:1 hi kyun lene ka? Because if you don't take k:1, there will be two unknown. We cannot find two unknown. We want only one unknown. Samjha main kya bola? k:1 के पीछे का रीजन क्या है? k:1 के पीछे का रीजन इज यू हैव टू टेक ओनली वन अननोन, यू कैन नॉट टेक टू अननोन. दैट इज व्हाई वी टेक k:1. एम आई बेटर नाउ? यस, थैंक यू. नाउ वी शुड फाइंड पॉइंट पी. सो आई गॉट k:1. आई विल फाइंड पॉइंट पी. यहां पे ही कर लेते ना, यहां पे रब करेंगे. वन आई गॉट रेशियो, आई विल राइट हियर, बाद में आई विल राइट. यू टेक ना एक्स, यू टेक हियर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस के इज वन ओनली, सो वन माइनस फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन. So what do you get? X is equal to minus 3 by 2. आ गया. So coordinate क्या मिला? So P is what? P is minus 3 by 2 comma 0. And ratio is what? Ratio is 1:1. इसको bold में डाल दे.
इसको बोल्ड में डाल दे और ये पी को बोल्ड में डाल दे, करेक्ट। और एक बार बताता है, एक्स एक्स वन माइनस फोर इंटू के वन, के इज वन, वन माइनस फोर, वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, वन प्लस वन टू, आई गॉट एक्स माइनस थ्री बाई टू, सो माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो। इज दिस ओके, इज दिस डिफिकल्ट और इज दिस इजी, इज दिस डिफिकल्ट और इज दिस इजी? ओके, यू फील कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है ना? यू फील कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी? इट इज जस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मूला, इट इज जस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मूला। ओके, चलो, रियल नो इजियर, मतलब क्या दानियल, रियल नो इजियर बोले तो? क्वेश्चन नंबर सिक्स, वी शैल गो विद क्वेश्चन नंबर सिक्स। रियल नंबर इज इजियर। ओके ओके, आई थॉट कोऑर्डिनेट, यस रियल इज सो इजी ओनली, रियल नंबर में तो क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, यस अगेन दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन सिक्स। इफ वन कॉमा टू, अगेन इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, इफ वन कॉमा टू, नेक्स्ट फोर कॉमा वाई, नेक्स्ट एक्स कॉमा सिक्स, नेक्स्ट थ्री कॉमा एंड थ्री कॉमा फाइव, हाँ, आर दी वर्टाइसिस टेकन इन ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टेकन इन ऑर्डर, आर वर्टाइसिस ऑफ पैरलोग्राम, आर वर्टाइसिस ऑफ पैरलोग्राम टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर फुल स्टॉप, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। Okay, that's it. Yes, let us do this. Let me take a parallelogram. A, B, C, D. Sir, somebody asked me last year, sir, what do you mean by taken in order? Taken in order, order बोले तो हमको continuous देना है, हमको continuous देना है, A, B, C, D, हमको continuous देना है, continuous बोले तो A B C D, A B C D नहीं चलता, wrong idea. One comma two, two comma y, x comma six, three comma y. How to find x and y? Can you give me hint? Can you give me hint? Hint is very simple. Hint is very simple. Take things if Take things in opposite order. Take things in opposite order मतलब take the diagonal. You know very well. Let ABCD be the parallelogram. Let ABCD be the parallelogram. Let ABCD be the parallelogram. Now, what is difficult is x or y चाहिए. हाँ. But I know one thing. Diagonals always bisect each other in the parallelogram. Do you agree? Do you agree? Diagonals always bisect each other. Do you agree? क्या diagonals always bisect each other in the parallelogram? So, I will use that knowledge. Let me call this as point P. Let the diagonals AD, AC and BD
बाइसेक्ट एट पी, बाइसेक्ट एट पी, ओके। मतलब मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या, कैन यू टेल मी बाइसेक्ट का मतलब क्या, कैन यू टेल मी बाइसेक्ट का मतलब क्या? कैन यू टेल मी डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, डू यू एग्री? डिवाइड्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स इंटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब विच नॉलेज शुड आई यूज, मतलब विच नॉलेज शुड आई यूज? डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट मीन्स विच नॉलेज शुड आई यूज? सर यूज मिड पॉइंट थ्योरम, सर यूज मिड पॉइंट थ्योरम, यूज मिड पॉइंट थ्योरम, करेक्ट बोला, देख यूज मिड पॉइंट थ्योरम, वेरी गुड। सो वी आर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, सो मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्यों? करेक्ट है, बोल करेक्ट है कि नहीं? मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या है? पी। मिड पॉइंट ऑफ बीसी क्या है? पी। बीसी नहीं, बीडी, बीडी, बीडी। डू यू एग्री? डू यू एग्री? डू यू एग्री? बस डाल दे वैल्यू, फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का? वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स बाय टू, कॉमा टू प्लस सिक्स बाय टू, मिड पॉइंट ऑफ बीडी फोर प्लस थ्री, फोर प्लस थ्री बाय टू, वाई प्लस फाइव बाय टू, डू यू एग्री? डू यू एग्री? बस सॉल्व इट, बस सॉल्व इट। सर सबका टू 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 गया, इसका टू इसके साथ, सी दिस विल बी डन विद दिस, दिस विल बी डन विद दिस, दैट इज वन प्लस एक्स बाय टू इज इक्वल टू फोर प्लस, सर फोर प्लस थ्री इज सेवन बाय टू, कॉमा टू सिक्स प्लस टू एट बाय टू इज, एट बाय टू इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव बाय टू, टू टू गॉन, टू टू गॉन, वन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवन, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, कॉमा एट प्लस एट, एट इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव, सो एट माइनस फाइव इज थ्री। वॉज इट इजी, वॉज इट डिफिकल्ट? वॉज इट इजी, वॉज इट डिफिकल्ट? You understood or no what I did? तू समझा मैं क्या किया? मैं एक बार रिपीट करूं, मैंने इसका x लिया, इसका x लिया 4 प्लस थ्री सेवन, मैंने इसका x लिया, इसका y लिया, इसका y लिया एंड मैंने सॉल्व किया, डू यू एग्री? ऑल ओके? Any doubt? Any doubt? Copied? Everybody copied? Can I go with the seventh one? Can I go with the seventh one? Please have conversation. We can do it by taking sides. You cannot do it by taking sides. Why? You cannot. Somebody is asking, sir, can we do it by taking sides? No, you cannot do it. Why? This is known. There will be two unknown. There will be two unknown. So it will take time. क्या होगा? Distance formula नहीं आएगा ना? कैसे करेगा? X और Y आएगा.
यू कैनॉट डू इट बाई टेकिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन एक्स एंड वाई आएगा अननोन सो यू हैव टू डू बाय मिड पॉइंट थ्योरम ओनली या मिड पॉइंट फॉर्मूला चलो क्वेश्चन नंबर 6 डन क्वेश्चन नंबर 7 Find the coordinate of point A. Okay. Find coordinate of point A where AB is the diameter of the circle. Where AB is diameter of circle. Where AB is diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4 and B is 1, 4 okay so find the coordinate of A Where AB is the diameter of the circle. Let me draw AB as the diameter. Whose center is 2, -3. A मालूम नहीं. X, Y. B 1, 4. अब कैसे करेगा ये? तू बोल क्या करेगा लेट ओ बी द सेंटर नाउ यू टेल हाउ विल यू डू व्हाट नॉलेज विल यू यूज डोंट यूज सेक्शन फॉर्मूला सर Use mid point formula. We know that OA is equal to OB because radii of same circle. OA is equal to OB. So we use mid point formula. Therefore, by midpoint formula, O क्या है 2, -3 is x plus 1 by 2, y plus 4 by 2. x के साथ y के साथ सो 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 बाय 2 दिस मीन दिस 3 2s आर माइनस 6 इज y प्लस 4 दिस विल गो हियर माइनस 6 माइनस 4 इज y दैट इज माइनस 10 सो y इज माइनस 10 दिस गोज हियर 2 2s आर 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 So 4 - 1 = 3, x is 3. Okay? Clear? बहुत easy हो रहा है बच्चा बोल रहा है So what are the coordinate? Therefore the coordinate किसका coordinate? The coordinate of A is 3, -10. Seventh one done. 8, 9, 10. 3 more remaining. Then I will teach today triangle formula. Once we are done with 8, 9, 10, don't miss the second session. We will teach the triangle formula. Another 5 songs are left in triangle.
coordinate is done then. So tomorrow coordinate will be done for sure. Tomorrow coordinate will be done. After this I will do triangle formula. I am repeating, everybody has to be there for the next session. So I am continuing with the 8th one now. I hope you would have copied, because today itself I will teach the triangle formula. Because today itself I will teach the triangle formula. Okay. Let me do the 8th one now. How? All okay na? It is easy? It is damn easy. It is damn easy. Second, eighth one. If A and B are -2, -2 and 2, -4, find the coordinates of P such that koi baat nahi, AP is 3/7 AB, don't star mark again, this is star mark, this is a tough one. And P lies on AB. See, let me explain you. Solution. If A and B are the points, the coordinate of P is such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on AB. Let me explain this. See, this is A, this is B. Somewhere this is P. यहां पे दिया है, ध्यान से सुनना, एपी, ये जो एपी है ये 3/7 ऑफ एबी है. ओके, ध्यान से सुनना, ये जो एपी है ये 3/7 ऑफ एबी है. तो मेरे को तू बोल पीबी कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू पीबी कितना होना चाहिए. कॉमन सेंस यूज करो. कॉमन सेंस, सेवन पार्ट्स में से एबी टोटल सेवन पार्ट्स का है, ए टू बी सेवन पार्ट्स के से, उसमें से 3 पार्ट्स इसका है, तो इसका कितना पार्ट होगा? पीबी विल बी 4/7 ऑफ एबी, करेक्ट, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स ऑफ एबी. डू एवरी वन ऑफ यू एग्री विद दिस? अगर एबी के 7 टुकड़े हैं, उसमें से 3 टुकड़ा इसका है, तो इसका 4 टुकड़ा होगा, पार्ट्स, टुकड़ा यानी पार्ट्स, करेक्ट है. तो रेशियो क्या हुआ? एपी इज टू पीबी का रेशियो क्या हुआ किड्स? वेरी गुड. तो कितना सिंपल है सर, एपी इज टू पीबी का रेशियो हुआ 3:4. This is what is tough to analyze. Do you find it tough now? Now have you understood that AP is 3 means this is 4 times the ratio? बस हो गया, फिर तो बहुत सिंपल है, ये सब रख करेंगे तो देख के ही क्लियर हो जाना चाहिए था. अगर देख इधर, एपी 3 पार्ट का है, तो कॉमन सेंस से पीबी 4 ही होगा, क्योंकि टोटल 7 है. डन. सो यू गॉट हियर, m1:m2 is 3:4. अब क्या है, पी निकालना है,
एक्स कॉमा वाई निकालना है एंड यहाँ पे क्या है माइनस टू कॉमा माइनस टू और यहाँ पे क्या है टू कॉमा फोर. आई थिंक सो सेक्शन फॉर्मूला इट इज जस्ट द सेम. यस दिस इज एक्स वन दिस इज वाई वन दिस इज एक्स टू दिस इज वाई टू दिस इज एम वन दिस इज एम टू. कैन यू डू दिस प्रॉब्लम और सर हैज टू सॉल्व नाउ. विल यू डू और सर हैज टू सॉल्व. I don't think so. Now I will do this. This problem I will not do because you know everything. You know x. You know x one y one. You know x two y two. You know m one m two. So you have to just substitute it. Then I will just tell the answer. You verify. Here only. अभी इधर करो. Answer आना चाहिए. I will not do. Answer आना चाहिए. P का कोऑर्डिनेट इज माइनस टू कॉमा सेवन कॉमा माइनस ट्वेंटी कॉमा सेवन. काइंडली वेरीफाई एवरीबडी हियर इटसेल्फ देन ओके माइनस टू कॉमा सेवन है वो माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन है टू है वो